तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज, आई एम कार्तिक कपूर और आप देख रहे हो टेक्निकल ट्रिक डे। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है और इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं और कैसे कैसे लिंक भी डाल सकते हैं, वो सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखे, लास्ट तक देखे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो से आप कुछ सीख सके और इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। चलते गाइज, आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है। डिस्क्रिप्शन वही होता है जब हम किसी की वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे टाइटल होता है, हम टाइटल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा सेकंड ऑप्शन जो है या पोर्शन है वो ओपन हो जाता है, जिसे हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने चैनल का लिंक दिया होता है, हैशटैग लगाए होते हैं, अपने ऐप्स का लिंक दिया होता है, हमने यूट्यूब का लिंक दिया होता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक दिया होता है, और सबसे लास्ट में हमने एक चीज़ और दी होती है जिससे हम अपने चैनल का कॉपी स्ट्राइक या क्लेम या इससे बच सकते हैं और हमारा चैनल भी सेफ रहता है, हमारा चैनल बंद नहीं होता है। वो चीज़ क्या होती है वो लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम अपने चैनल के अंदर हैशटैग लगाते हैं। सबसे पहले हैशटैग कैसे लगाते हैं, हैशटैग लगानी है आपको, उसके बाद आपने लिखना हाउ टू ग्रो YouTube चैनल, इन सभी को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन करके लिखना है, स्पेस नहीं देनी। तो ये हो गया हैशटैग की, हैशटैग आपको कैसे लगाना है। नंबर दो पे हम बता देता हूँ चैनल का लिंक, कि हम चैनल का लिंक कैसे देते हैं। हम अपने जैसे कि वीडियो देख रहे हैं कोई भी, तो वीडियो के ऊपर थ्री डॉट आता है, तो थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें चैनल का लिंक या शेयर व्हाट्सअप यूट्यूब यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो उसी के अंदर हमने चैनल का लिंक का कॉपी करके वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हम अपना चैनल का नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद वहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये भी चैनल का लिंक भी आपको पता चलेगा कि चैनल का लिंक कैसे देते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हम डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने टाइटल भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बहुत टाइटल लिखना है, ज़्यादा भर के नहीं लिखना है। उसके बाद हम वीडियो के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि वीडियो के अंदर क्या क्या हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बताना है। अगर सारा कुछ बता दें तो वीडियो कौन आपकी देखेगा, तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि हम अपनी वीडियो के बारे में कुछ ऐप के बारे में बताते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करो या वो ऐप डाउनलोड करो, तो हम बता देते हैं कि वहाँ से डाउनलोड करो। अगर हम उस ऐप का लिंक जो है उस डिस्क्रिप्शन में देने तो वो बहुत आसानी होती है, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से भी हम, अगर प्ले स्टोर में है तो प्ले स्टोर में भी अगर कोई ऐप आपको दिखाई देता है तो आप प्रोवाइड करना चाहते हो किसी अपने दोस्त को, तो वहाँ पर हमें कॉपी का लिंक मिल जाता है। अपने ऐप पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी थ्री डॉट मिल जाती है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो शेयर का ऑप्शन आया था, वहाँ से भी क्लिक कॉपी करके हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वह उसे पेस्ट करके लिख सकते हैं। तो सबसे लास्ट में आपको बता देना चाहता हूँ तो गाइस, कि हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जब भी हम कोई अपनी वीडियो के अंदर म्यूज़िक लगाते हैं, तो म्यूज़िक लगाने के बाद उसका म्यूज़िक का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ही देते हैं। क्यों देते हैं, जिससे हम कॉपी स्ट्राइक या स्ट्राइक से बच सकते हैं या क्लेम से भी बच सकते हैं। अगर आपने खुद का कॉन्टेंट है तो हम क्लेम नहीं आएगा, अदरवाइज अगर हमने किसी का और का म्यूज़िक लिया है तो हमें वहाँ पर ज़रूर उसका लिंक प्रोवाइड करना है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के बता देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने अभी बताया वो कैसे कैसे मैं लगाता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा और जरूर देख लिया, अगर आपने यहाँ तक भी देख लिया तो आपको समझ लग जाएगी और दोबारा डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, अगर वीडियो जरूर अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन अंदर मैं क्या क्या लगाता हूँ, अभी जो बताया वो डिस्क्रिप्शन में कैसे होता है और कॉपी स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं और उसके अंदर कॉपी स्ट्राइक के अंदर हमें बचने के लिए क्या लिखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते गाइस वीडियो की ओर। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सबसे ऊपर हैशटैग लगाया है, तो हैशटैग आपको वायरल वाले हैशटैग ही लगाने हैं, और उसके बाद टाइटल के बारे में बताना है, वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है, उसके बाद चैनल के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखे मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था आपको, ये वाला आपने ज़रूर लिखना है, हर वीडियो में लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।